जनपद बांदा के हाई प्रोफाइल हो चुके जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत के मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह थी जिससे श्वेता सिंह गौर को मजबूरी में मौत को गले लगाना पड़ा, या फिर उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। इस मामले का पुलिस खुलासा जब करेगी तब करेगी, लेकिन बुंदेलखंड न्यूज इस मामले का अभी खुलासा करने जा रहा है। श्वेता सिंह गौर ने मरने से पहले अपनी जेठानी और भाई से जो व्हाट्सएप चैट की है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो श्वेता सिंह की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, उसका जीवन साथी यानी उसका पति दीपक सिंह गौर है। बांदा में जिला पंचायत सदस्य और भाजपा की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्वेता सिंह गौर का सुसाइड केस उलझता जा रहा है। भाई और जेठानी को भेजे व्हाट्सएप में श्वेता सिंह ने जो बात लिखी है वो कोई भी नहीं लिख सकता। बेटी ने भी अपने पिता पर सुबह से ही शराब पीने और अय्याशी करने का संगीन आरोप लगाया है। आज जब बुंदेलखंड न्यूज ने बांदा के इंदिरा नगर स्थित श्वेता सिंह गौर के आवास पर जाकर पारिवारिक जनों से बात की तो ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आई जो किसी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करती है। क्या है सच, आइए आपको ले चलते हैं श्वेता सिंह गौर के आवास पर, जहां उसने 27 अप्रैल की सुबह लगभग 11:30 बजे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। ये है श्वेता सिंह गौर का वो घर जिसमें वो अपने पति दीपक सिंह गौर और अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, पर आज इस घर में माहौल दूसरा है। ये घर भी कभी खुशहाल हुआ करता था, कभी यहाँ भी रहने वाले लोगों और बच्चों की बातें वातावरण को खूबसूरत और खुशनुमा बनाती थी। लोगों का आना जाना अक्सर यहाँ लगा रहता था। श्वेता सिंह जब से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई तब से इस घर में राजनीतिक चहल पहल तेज हो गई थी, पर एक झटके में सब बदल गया। आज यहाँ कब्रिस्तान सी मुर्दानगी छाई है, हर आंख गमगीन है, हर कोई रोना चाहता है, पर 3 बेटियों का मुंह देखकर सब अपने अपने आंसुओं पर मानो पहरा बिठाए हो। श्वेता सिंह गौर की मौत के समय से ही उनका पति दीपक सिंह गौर फरार है। पूरा मामला समझने के लिए हमने श्वेता सिंह के भाई ओमकार से बात की कि सुबह की घटना कैसे घटनाक्रम हुआ जो आप लोगों को पता चला। तो 9:30 बजे मेरे छोटे भाई से बात की तो नॉर्मली बात की, पर बोल रही थी कि मुझे परेशान कर रहा भैया सुबह से, मतलब मेरे छोटे भाई से कॉल पे बोली थी कि भैया गोलू ने मुझे सुबह से परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। तो गोलू बोल रहा था कि ठीक मैं दीदी मैं सतना में हूँ मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ से चल भी दिया था, यहाँ तक आते थे टाइम तो लगे गई, वहाँ से चल दिया। फिर उसके बाद उसको मतलब फिर उसने जेठानी से बात की, फिर ये सोची कि घर की माम घर का वो है लड़ाई झगड़ा है, तो गई थी अपने पति से फिर बात करने, तो पति ने फिर उसे धक्का दिया वहाँ पर भूचा मारा कस के। फिर उसके बाद इसने जेठानी को कॉल की, जेठानी से बताने लगी कि इतने में चला आया वहीं रूम पर, रूम पर काफ़ी हाथापाई करने लग, जेठानी फ़ोन में थी, जेठानी चिल्ला भी रही थी दीपक उसे मत मारो और ये सब चीज़ें चिल्ला रही थी, और इतने में फ़ोन उसका छीना कर उसने तोड़ दिया। और फिर जेठानी ने फिर पड़ोस में एक बुआ रहती हूँ उनको कॉल किया, उनका डेली का आना जाना है, तब वो जब तक वो यहाँ आई तब तक ये चीज़ें हो चुकी थी, मतलब उसके साथ खेल हो गया था मतलब, और दीपक चला गया था। हाँ वो खराब हो गया, उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं अभी तक, कभी कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है कि दीपक कहाँ है, उनके परिवार के और सदस्य पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। नहीं तो आजकल पुलिस के पास इतने चीज़ें हैं, तुरंत गाड़ी लेकर फरार हुआ, गाड़ी का नंबर कहीं से भी ट्रेस कर सकते थे, कहीं ना कहीं तो टोल टैक्स पड़ा ही होगा। तो क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी है? है थोड़ा प्रशासन ढीला है। प्रशासन क्या अंडर प्रेशर है? हमारे सामने तो बोलते हैं हम सब कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा। ओमकार सिंह ने हमें वो व्हाट्सएप मैसेज भी दिया जो श्वेता सिंह ने अपने सुसाइड से एक दिन पहले 12:00 बजे उन्हें भेजा था।
इन दोनों अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इन सबका जिम्मेदार दीपक सिंह होगा। हम बात करना चाह रहे थे हर उस शख्स से जो इस मामले से वो रहस्य का पर्दा उठा सके कि आखिर श्वेता सिंह गौर की वो कौन सी मजबूरी थी। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि तीन तीन बेटियों को आखिर किसके सहारे छोड़कर चली जाए। बड़ी बेटी इस हालत में नहीं थी कि वो कोई जवाब दे सके। सबसे छोटी बेटी बहुत छोटी है, लिहाजा मझली बेटी गौरी ने हमसे वो सारी बातें बताई जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है। आप भी सुनिए गौरी को और उसके मनोभाव से जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर श्वेता ने खुदकुशी क्यों करना है। आपको सुबह कुछ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बस जब मैं स्कूल आई थी तब मेरे पापा ने कहा था कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें वहीं मिलेंगी। तो आपने कुछ रिएक्ट किया उस पर? मैं थोड़ा संत से स्कूल तक गई थी तो मैंने जो अंकल लिवा के जाए थे उनसे कहा था कि वापस चलिए, और वो कहते नहीं वो लिवाड़ है। कौन अंकल छोड़ने गए थे? नारायण अंकल। फिर लेने कौन गया आपको? पापा ही आए थे, पर आधी रास्ते से सेंट जेवियर्स स्कूल निकलते उन्होंने हमें आधी रास्ते से छोड़ दिया था, अपना कुछ पैसे लेके चले गए थे। और उस समय भी कुछ कह रहे थे क्या? उस समय उन्होंने यही कहा था कि अब घर जाओ पता चलेगा सब। तो आपने पूछा नहीं पापा आया था क्यों? मैंने पूछा पापा क्या हुआ पता, पापा कहते घर जाओ सब पता चल जाएगा, और कहते जो हुआ अच्छा हुआ। इसका मतलब उनको पता था कि आपकी मम्मा अब नहीं है? उन्होंने मारा है मेरी मम्मा को, इतना मारा उनका एक साइड का गाल पूरा नीला था। रोज ड्रिंक करते थे या कभी कभी? डेली। दिन में भी करते थे क्या ड्रिंक? हाँ, जब घर में रहते थे तो दिन में भी करते थे, जब घर में नहीं रहते थे तब दिन में नहीं करते थे। इस टाइम तो सुबह 5 बजे उठ जाते थे और ड्रिंक करने लगते थे, रात तक कंटिन्यूसली करते रहते थे। तो आप लोगों ने भी समझाने की कोशिश की होगी बेटा? हम लोग कहते थे तो हमारी बात ही नहीं मानते थे, हमें चिल्ला देते थे। किस कारण से ऐसा उन्होंने पापा ने किया? क्योंकि मेरी मम्मा ने ड्रिंक नहीं करने देती थी, उन्हें अयाशियाँ नहीं करने देती थी, इस वजह से वो चाहते थे कि मेरी मम्मा घर के काम काज करे, कहीं बाहर ना जाए, हम लोग पढ़े लिखे ना, इस वजह से। लेकिन आपका आपकी मम्मा आज जो थी राजनीतिक क्षेत्र में, आपके पापा ही उनको लेकर के आए थे, तो फिर क्यों ऐसा चाहते थे? उनसे सहा नहीं जा रहा था मेरी मम्मा का बढ़ना, चिढ़ते थे। मेरी मम्मा हर चीज़ के लिए रोक टोक करती थी तो चिढ़ते थे उन्हें। मेरे बाबा दादी को वो लड़का चाहिए था, मेरी मम्मी लड़का नहीं दे पाई तो मार डाला। बेटा क्या लग रहा है कि अब कैसे, जब आपके पापा आपके साथ नहीं है और उन्होंने आपके पापा ने आपकी मम्मा को मार डाला, आपके बाबा दादी कोई साथ में नहीं है, अब क्या कैसे होगा आपका? मेरी नानी है, मेरी मौसियाँ हैं, मामा है, ये सब मेरे साथ रहेंगे, हम लोग का ख्याल रखेंगे, हमें नहीं रहना इन लोग, हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दो, हमारा घर हमें दे दो, जहाँ जाना है जाओ, इन्हें जेल में बंद कर दो, बस इतना ही है। श्वेता सिंह गौर की जेठानी ज्योति सिंह गौर भी अपनी देवरानी श्वेता को न्याय दिलाना चाह रही। उनके पास भी श्वेता ने एक दिन पहले वही व्हाट्सएप मैसेज किया था जो उन्होंने अपने भाई को भेजा था। घटना वाले दिन श्वेता ने सुबह 8 बजे अपनी जेठानी को फोन लगाया था पर जेठानी से बात ना हो सकी। पर लगभग 11 बजे दोनों के बीच बातचीत हुई। उस वक्त दीपक सिंह गौर ने श्वेता सिंह गौर का गला दाब रखा था, ऐसा ज्योति सिंह बताती है। श्वेता सिंह की घुटी घुटी आवाज सुनकर ज्योति डर गई थी। फोन पर ही उन्होंने अपने देवर दीपक को समझाने और डांटने का प्रयास किया पर सब व्यर्थ। ज्योति सिंह ने उसके बाद इंदिरा नगर मोहल्ले में ही रहने वाली बुआ को फोन कर श्वेता और दीपक के झगड़े के बारे में जानकारी दी थी। बुआ भी आई
तब तक खेल हो चुका था। श्वेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ज्योति सिंह इस मामले में श्वेता को न्याय दिलाना चाहती हैं। वो अपनी देवरानी के पक्ष में है। उन्हें भी लगता है कि दीपक के कारण ही श्वेता को अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। श्वेता सिंह और भले ही हसमुख सरल स्वभाव के कारण अपनों और गैरों के बीच रहकर हमेशा बातें करते समय मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उनके अंदर जो दर्द था और जो पीड़ा थी उसे केवल उसके बच्चे और उसके परिवार ही जन महसूस कर सकते थे। पति की प्रताड़ना से वह पूरी टूट चुकी थी और उसे लगने लगा था कि जीवन के सफर में वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। शायद इसी वजह से उसने अपने भाई और अपने सबसे करीबी जेठानी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, जिससे उनकी मौत से रहस्य का पर्दा उठता नजर आ रहा है। मरने से पहले अपने मोबाइल से भाई व जेठानी को भेजी गई चैट में उसने लिखा है, इन दिनों अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इन सब का जिम्मेदार दीपक सिंह होगा। मैं जिंदा रही तो मिलूंगी। आने वाले समय के लिए अब किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं टूट गई। मुझे रोज रोज सताया जा रहा है। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि लगता है मैं खुद ही कुछ कर लूं। इस व्हाट्सएप चैट से तस्वीर लगभग साफ हो गई कि या तो संघर्ष करते करते श्वेता सिंह जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गई, या फिर किसी षड्यंत्र के तहत उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन अपनी मौत के लिए उसने पहले ही अपने पति को जिम्मेदार ठहराया है, तो फिर इसके लिए पति ही जिम्मेदार है। खैर, अब जब श्वेता सिंह गौर एक इतिहास बन चुकी है तो अब उनकी बच्चियों को बेहतर भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। बच्चियों को उनका हक मिल जाए और श्वेता की मौत की जो भी वजह हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग पूरा परिवार कर रहा है और यही मांग बांदा की जनता भी कर रही है। कोई भी दबाव, कैसा भी दबाव हो, उसे दरकिनार कर पुलिस और प्रशासन जब श्वेता के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे तभी शायद श्वेता की आत्मा को शांति मिल सकेगी। श्वेता सिंह गौर को बुंदेलखंड न्यूज की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि।